ये है 101। तो भाई लोगों आज फुल चूड़े फुल पार्टी होगी आज। हेलो गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ बहुत अच्छे ही होंगे क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है और आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, तो बहुत अच्छे ही होंगे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, तो उनसे तो अच्छे ही हैं। ठीक है, तो बात यह है कि आज है मकर संक्रांति, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मकर संक्रांति तुम सबको। तो अभी जस्ट मैं उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है करीबन 10:15 के आसपास। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा यार आज व्लॉग कैसे कर पाऊँगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा वाला साउंड आ रहा है, क्योंकि सब ने छतों के ऊपर स्पीकर लगा रखे हैं और बहुत ज़्यादा साउंड है। मतलब मेरी आवाज़ भी एक्चुअल में गाने की आवाज़ से खुली है, ऐसे बिग बॉस वाली सुबह हुई है आज, गाना बज रहा था एकदम से उठ के डांस करने लग गए। तो चलते हैं अभी छत पे ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, आज क्या बन रहा है किचन में आप सब लोगों को दिखाता हूँ। मेरी मम्मी हर संक्रांति के ऊपर मस्त मस्त चीज़ें बनाती है, पकौड़ी बड़े, ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, ये वो फलाना ढिकना, पता नहीं क्या क्या। तो चलते हैं अभी देखते हैं, दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या क्या बन रहा है आज। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये है क्या है, बटाटे बड़े, ये बड़े, ये दूध, दूध पिएगा पुनः। और ये क्या बन रहा है, ये भी बड़े ही बन रहे हैं। और ये अभी सब छत के ऊपर जाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, फुल मजा नहीं लाइफ। तो अभी एक चीज़ और, पूरा दिन धूप में रहना पड़ेगा ऊपर छत के ऊपर, तो सबसे पहली चीज़ है तुम्हारी स्किन, तुम्हारी हेल्थ, तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि जो सन प्रोटेक्शन लोशन आता है वो पूरे मुँह पे पूरे हाथों पे मल लेता हूँ, वरना तो तुम सुबह चढ़ोगे एकदम गोरे लौंडे हैंडसम बंदे होगे और रात को उतरोगे वेस्ट इंडीज वाले बन के, है ना। तो अभी मैं दिखाता हूँ तुमको, तो जो मैं आप लोगों को लोशन बता रहा था वो है ये, आप देख सकते हैं 30 SPF का ये लोशन है। तो करना ये है जल्दी से इसको, और फेस पे थोड़ा ज्यादा लगाना है ये। आई नो मैं थोड़ा वियर्ड लग रहा हूँ बट क्या करें, बचाव ही उपचार। और उसके बाद में जो चीज है, सबसे पहली चीज है ये, ठीक है, फिर उसके बाद में, और इसके बाद में एक चीज और बची है जो है सन ग्लासेस, जो कि मेरे ऊपर छत के ऊपर मेरा भाई लेके गया है, तो उससे मैं लूंगा फिर वहीं पे लगाएंगे। और वैसे तुम लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को पतंग उड़ाए हुए आज 3 साल हो गए, आज तीसरी संक्रांत है और आज मैं पतंग उड़ाऊंगा, देखते हैं कितनी पतंग उड़ाता हूँ मैं आज। पूरा आसमान साफ होने वाला है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, सच्ची में आसमान साफ होगा, चिकन डिनर हमिच करेंगे, कौन करेगा हमिच, तो चले लेट्स गो। कितने काम की बात चल रही नीचे, लाओ, थैंक यू वेरी मच। ये देखो मेरी माँ कितनी अच्छी है, हाँ ठीक है, बाय बाय। ये है 101। तो भाई लोगों आज फुल चूड़े फुल पार्टी होगी आज। ये देखो देखो मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं, सकरात 50,000 में दे दिया, बोले बेटा चिल कर, बढ़िया एकदम मस्त। ये है मेरी माँ, ऐसी माँ सबको दे, क्यों देख ले 10,000 और देनी कम पड़े तो। तो छोटू चले पतंग उड़ाने, कितनी पतंग काटेगा तू, सो मम्मी करेंगे चिकन डिनर, अपन नहीं करे, ठीक है चलते हैं फिर, है ना।
अभी ऊपर आए थे और 10 मिनट बैठे और इतनी भयंकर वाली धूप हो रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मतलब सब कुछ जलने लग गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ अभी शाम को उड़ाएंगे पतंग वतंग, अभी तो चलते हैं सीधा नीचे जाके नहाएंगे धोएंगे बस, उसके बाद शाम को ऊपर आएंगे, शाम को ऊपर आने के बाद में उड़ाएंगे पतंग, अभी बस की बात नहीं है भाई साहब, चलते नीचे। 5 hours later तो हो गए अभी नहा धो के रेडी और टाइम हो रहा है अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी चलते ऊपर थोड़ी पतंग वतंग उड़ाते हैं। और ये देखिए ब्लैक, और ये स्वेटर मैंने अभी नहीं ली है, तो कमेंट करके एक बार बताना जरूर कैसी लग रही है। और ये हमारे छोटे मियाँ पतंग उड़ाते हुए, इन्होंने बोला था कि ये आसमान साफ करेंगे आज, चिकन डिनर करके आएंगे। ये रही इनकी पतंग, छत से लंबी तो इनसे की नहीं जा रही है, आसमान साफ करेंगे ये। और अब ये हमारे आर्यन पतंग के लिए तैयार, पतंगे देख लीजिए जरा इनकी। भाई चाइनीज मांझा नहीं है, सादे मांझे से उड़ा रहे हैं। अरे अपनी पहली पतंग, 3 साल बाद में पतंग को हाथ लगाया है अब। अरे बांधने भूल गया यार, मैं कैसे बांधते हैं इसको। अभी थोड़ी धूप कम हुई तो आए उड़ाने के लिए, थोड़ी देर पहले आए थे पतंग उड़ाने के लिए, जब तो सूरज एकदम सर के ऊपर था, इन्होंने उड़ा नहीं पाए। अब देखते हैं कितने साल बाद पतंग उड़ा रहे हैं, कैसा रहता है। और ये गाने चालू हो गए हैं, इनकी अलग ही स्टाइल है, देखते कितनी पतंग काटेंगे आज। और एक पतंग काट दी है, बहुत सालों बाद, बहुत ही अच्छी शुरुआत। कैमरा किसके हाथों में है, और आज के फोटोग्राफर है हमारे, और ये है हमारे आज के व्लॉगर आज के। अरे मेरी पतंग गई, पकड़ 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 पकड़, बहुत ही ऊंची उड़ान पे है। ये रही अपनी पतंग, दिख रही है कैसे उड़ी रही है। आसपास का आसमान खाली कर दिया है हमने, 4 पतंग अब तक काट चुके हैं। और ये हमारी चाची जी, मामा पतंग काट दी है इन्होंने, बहुत ही उम्दा पतंगबाजी करते हैं ये। वो पतंग डूब गई, पतंग को संभाल लिया आप, देखिए वो उड़ रही है अपनी पतंग। 5 मैंने काटी है और 1 इन्होंने काट दी, 6 पतंग काट चुके अभी। और ये अब बागडोर इनके हाथों में है, देखते हैं अभी ये क्या नाम रोशन करते हैं हमारा। और ये अब कटने वाली है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये कटेगी अभी। और ये पतंग कटा ली, शकल देखिए इनकी आप, मतलब शकल देखिए एक बार, दिखा दिखा शकल दिखा, शकल दिखा, देखिए मम्मी ने तो काट दी है, तो मम्मी ने पतंग काट दी और ये इसने कटा ली, देखो अब। कुछ बोलना चाहेंगे आप? और जिससे पतंग कटाई वो एक लड़की थी सामने वाले छत के ऊपर, लड़की से पतंग कटा के आपको कैसा महसूस हो रहा है, है? और ये हमारे छोटू जी ने पतंग फाइनली लंबी कर ली है, है? डाकी चिकी, देखो कितनी लंबी गई है। अबे नहीं यार, तूने कसम खाई थी चिकन डिनर कराएगा तू मेरे को। और अभी 1 पतंग उड़ाई और 5 पतंग मैंने काटी उससे, और फिर उसके बाद में पतंग कट गई। 3 साल बाद में पतंग के हाथ लगाया था, अच्छा एक्सपीरियंस, फिर भी 5 पतंगे काट दिए हमने, कोई बात नहीं, अब अगली वाली पतंग उड़ाएंगे फिर देखते हैं। और ये ऊपर चढ़ने की कशमकश, ये सीढ़ी नीचे फिसलती है। राम 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 राम। अब मैं कैसे जाऊंगा रे। और ये अपन एक्सपर्ट है। और ये पतंग अभी कट के आई है, फटी हुई थोड़ी सी, अब चिपकाते हैं फिर उड़ाते हैं, दूसरी पतंग उड़ा रही है। और कटी हुई पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और है, कमेंट करके बताइए जिसको कटी पतंग उड़ाने में मजा आता है, खरीद के उड़ाने में वो मजा नहीं है। भाई जल्दी से कटवाना है ये पतंग, बहुत चूतिया पतंग है। अरे कोई काट दो ना। 1 पतंग और काट दी हमने, वो गई। और ये पतंग कट गई हमारी, बहुत ही दुखद हुआ हमारे साथ, कोई बात नहीं। और अभी 1 पतंग और उड़ाई थी हमने, जो कि उसकी बागडोर अब दूसरे हाथों में चली गई है, इस बंदे के हाथ में अब पतंग की बागडोर है। अब देखते हैं कितने ऊपर लेके जाते हैं सलमान भाई के डाई हाथ। और वो जो बहुत दूर दिख रही है आपको, वो वाली पतंग इसमें दिख भी नहीं रही है, वो पतंग हमारी है, जयपुर पहुंचा ही देंगे आज हम, उम्मीद तो यही है। अरे कहाँ गई भाई पतंग, दिख रही नहीं मेरे को तो ऊपर। वो
भाई पतंग कहाँ पहुंच गई अपनी? चांद पे अपन। ओ भाई बहुत लंबी गई अपनी पतंग, दिख भी नहीं रही इसमें। भाई 100-200 ऊपर ले ले बस पतंग उतारने से चलाओ। और ये आप ढीलों में पैच चले गए और हमारे पास मंजा नहीं है इस वाली चरखी में। और ये इसने साड़ भी कमी ने इन्होंने। अब देखते हैं क्या होता है। भाई क्या समेट ले समेट ले। ये देखिए ये रहा इसकी पतंग काटी अभी। समेट ले भाई ये पतंगबाज। भाई ये पतंगबाज वो कटा लिए भाई। हम इस बंदे की तारीफ करने के लिए वीडियो स्टार्ट की थी, इतने में इसने पतंग कटवा ली। लेकिन बहुत अच्छे, वेल डन ब्रो। इसने 8 पतंगे काट दी इस पतंग से, एक पतंग से। 4 मैंने काटी थी, 8 इसने काटी, टोटल 12 पतंगे काट दी। तोबा तोबा, बहुत ही गंदे आदमी है ये, सारा मूड खराब कर दिया। क्या पतंग उड़ा रहे हैं देखो, इनसे पतंग लंबी नहीं हो रही है। कभी इतनी लंबी पतंग करके दी थी इनको मैंने। और ये रही गर्मा गर्म चाय, और यहाँ पे फोन लग रहा है हमारा टाइम लैप्स के लिए। और अभी ये चाय का मजा लिया जा रहा है पतंग उड़ाने के साथ साथ। तो अभी शाम होने वाली है और सनसेट होने वाला है। सनसेट होने के बाद में जो सीन रहता है वो आप देखने लायक नजारा रहता है, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप इंजॉय करें टाइम लैप्स जो अभी आने वाला है। लोग देख सकते हैं कि पीछे कितना बढ़िया सीन हो रखा है। भाई एक बार कैमरा करके दिखाइए, उधर दिख रहा है आपको चारों तरफ, एक बार कैमरा घुमा दीजिए। ये देखिए और बाकी तो आप लोगों ने टाइम लैप्स में देख ही लिया होगा कितना अल्टीमेट सीन हो रखा है यहाँ पे। और अभी हम जाएंगे डांस करने के लिए फुल चूल। तो आ गए अभी नीचे और पतंग वतंग उड़ा दी, बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आया आज। 3 साल बाद में सकरात पे मुझे मज़ा आया है। और एक बात थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी, जो कि अभी करते हैं अपन बैठ के आराम से, ठीक है। तो बात ये थी कि हम जो मकर संक्रांति पतंग वगैरह उड़ाने के लिए जो चाइनीज मंच अपन यूज़ में लेते हैं यार, जितना भी हो सके उस चीज़ से दूर रहिए आप। सकरात के अगले दिन का न्यूज़पेपर उठा के देखना, उसकी वजह से कितने एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और उसकी वजह से एनवायरनमेंट में भी अपना कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और उसको यूज़ करके सिर्फ अपन खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज पिछले साल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था उसी की वजह से। मतलब मेरे यहाँ नेक के ऊपर, सीधा मैं बाइक से जा रहा था तो मेरे यहाँ नेक के ऊपर लगी थी मांझे की, और इतना बड़ा कट लगा था मेरे और स्टिचेज आए थे मेरे। और इसकी वजह से पता नहीं कितने इंसिडेंट होते हैं, कितने लोगों की जान भी जाती है, एक्चुअल में मरते भी इससे। अभी जयपुर में 2 साल पहले एक केस हुआ था, उसके अंदर एक 4 साल की बच्ची थी जो बाइक के ऊपर आगे बैठी थी, चाइनीज मांझे की वजह से उसकी पूरी गर्दन कट के अलग हो चुकी थी और एक झटके के अंदर। तो यार एंजॉय लेना है, एंजॉय के हिसाब से करो। जो नॉर्मल मांझा आता है उससे पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और है यार। ये चाइनीज मांझे की वजह से क्या है, तुम में अगर कलाबाजी है तो तुम नॉर्मल मांझे से भी काट दोगे। आज हमने नॉर्मल मांझे से पतंग उड़ाई है और 90% लोग चाइनीज मांझे से उड़ा रहे थे, बहुत पतंग काटी हमने भी। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तुम्हारी सिर्फ थिंकिंग है। तो जितना भी हो सके इससे दूर रहो। अब तो सकरात गई, और अपने आप से ये प्रोमिस करो कि तुम अगले साल जो भी सकरात आएगी उसके ऊपर इस मांझे को बिल्कुल यूज़ में ना लो, क्योंकि इसको यूज़ में लेके अपन सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये चीज़ जो हो रही है कल को आपके साथ भी हो सकती है। कल आप रस्ते में जा रहे हो, आपके गर्दन पे आ गया, आपके हाथ में लग गया, कुछ भी हो गया, तो आपको भी नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। तो जितना हो सकता है इससे दूर रहिए, बस इतना ही बोलना था मुझे। और अपने 60 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये मेरी 7वीं वीडियो है मकर संक्रांति के ऊपर की। आपको जैसी भी लगी है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाइएगा। और तो चलते हैं, अभी इस व्लॉग को एंड करने का टाइम यहीं आ गया।
and thanks for making me part of your day. I hope you enjoy the video, and if you enjoy the video then don't forget to hit the like button, aur naye ho to subscribe karke jao. With that said, bye bye, take care, khuda hafiz, milte hain next vlog mein. This is Arya signing off.